ऑनलाइन कक्षा के लिए आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रधानाचार्य कुशवाहा आदर्श मध्य विद्यालय सरदोसा। विज्ञान कक्षा दसवीं प्रकरण मानव पाचन तंत्र पाठ दो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मानव पाचन तंत्र है, ये मानव पाचन तंत्र है, ये मानव पाचन तंत्र है। इसमें जो मुख है ये सबसे पहले मुख है, इसमें लाल रंग की पाई जाती है। ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ये लाल रंग की होती है, ये लाल रंग की होती है। इधर देखिए आप, ये इसमें तांत्रिक या एमिनेट एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, ये सारी धातु है और ये पानी से के रहते हैं, जैसे स्टार्च को ग्लाइकोजन, और इसमें छोटे पानी से के रहते हैं, ये माल्टोस में परिवर्तित करने का काम करता है। ये जो पानी होता है ये है कार्य मुख गुहा में होता है, ये कार्य मुख गुहा के अंदर होता है। आगे ये आमाशय, आगे का भाग है, आप देखिए ये आगे का भाग है, ये आमाशय है, ये आमाशय है। इस आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है और इसमें पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन रेनिन। इसमें देखिए आप, ये पेप्सिन और रेनिन ये दो एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करने का काम करते हैं, एक दूसरा केसिन को पैरा केसिन में परिवर्तित करने का काम प्रमुख रूप से इस आमाशय के अंदर होता है। ये पाचन का कार्य आमाशय में पाया जाता है। तीसरा है अग्नाशय, आप देखते हैं ये जो आमाशय है इस आमाशय के पास में ये जो है ये अग्नाशय होता है। इस जस्ट आमाशय के नीचे ये देखिए आप, इस जस्ट आमाशय के नीचे पीली-पीली संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशय के अंदर तीन प्रकार के एंजाइम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, इसमें एमाइलेट, लाइपेट और ट्रिप्सिन, ये तीन एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इस आमाशय के अंदर जो भोजन आता है इस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये भोजन का माध्यम अम्लीय प्रदान करने का काम करता है, ये भोजन का माध्यम इसमें अम्लीय होता है। और इसी प्रकार इसकी जो दीवारें होती हैं, इस दीवारों पर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है जो कि इस दीवारों को सुरक्षित रखने का काम करता है, ये श्लेष्मा इस पर ये पाई जाती है। इसी प्रकार ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय देखिए आमाशय से भोजन अग्नाशय में पहुंचता है, ये पाचन रस को स्त्रावित करने वाला कार्य अग्नाशय के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर एक तो एमिलेट एंजाइम पाया जाता है, एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है और एक काइनोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइड, इसमें लाइपेट होता है और न्यूक्लियोफिलेज होता है। इसके अंदर ये स्त्रावित एंजाइम है, ये छह एंजाइम है, तीन तीन छह सात एंजाइम होंगे। इसमें ये स्टार्च माल्टोस में परिवर्तित करने का काम होता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन का पेप्टाइड में, प्रोटीन ये भी पेप्टाइड अमीनो अम्ल और वसा मोनोग्लिसराइड वसीय अम्ल और डीएनए व आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड। ये कार्य जो होता है ये छोटी आंत में होता है, यानी अग्नाशय के अंदर एमाइलेट, लाइपेट और ट्रिप्सिन इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन इसमें होता है। तो ये आगे छोटी आंत में, अग्नाशय से आगे छोटी आंत में इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और छोटी आंत के अंदर इसमें ये पाचन होता है। आत्रीय रस इसमें देखिए माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज और लाइपेज, न्यूक्लियोएजेज और डाइपेप्टाइडेज। इसके अंदर माल्टोज ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, लैक्टोज ये ग्लूकोज में, सुक्रोज ये ग्लूकोज में, वसा वसीय अम्ल या ग्लिसराइड में परिवर्तित होता है और इसी प्रकार न्यूक्लियो अम्ल या न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोसाइड में संतरा परिवर्तित होता है, डाइपेप्टाइड ये अमीनो अम्ल। तो इसी प्रकार ये कार्य जो होता है ये भी छोटी आंत के अंदर होता है, यानी पाचन का जो प्रमुख कार्य है, वैसे तो मुंह में भी पाचन होता है।
कार्य के पित्त रस का निर्माण करना, यानी पित्त लवण यकृत के अंदर ये फास्फेट एक गेज ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन शार्प या राइबोज में होता है। इसी प्रकार से ये संपूर्ण यानी कौन सी पाचक रस को स्त्रावित करने वाले जो हार्मोन है ये किस में पाए जाते हैं, यानी पाचक रस को स्त्रावित करने वाला अंग कौन सा है, पहला लार्वा, दूसरा आमाशय जठर, तीसरा अग्नाशय, चौथा आत्रीय रस और पांचवा में जठर पित्त लवण। तो इसी प्रकार से इनके अंदर ये पाचन कहां कहां होता है, देखो मुख में पाचन होता है, दूसरा आमाशय में पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है, छोटी आंत में होता है और इसी प्रकार से अवशोषण का कार्य जो होता है ये बड़ी आंत के अंदर होता है। और ये जो मल है ये मल है ये मलाशय में आकर एकत्रित हो जाता है और इसी प्रकार से अवशोषण द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए लालग्रंथि है ये मुख्य मुंह में पाचन है, इसमें एमीलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये स्टार्च का पाचन करता है। आगे जब भोजन आता है इसके अंदर ये आमाशय में आता है, आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है और इसी प्रकार से ये आमाशय का माध्यम भोजन का माध्यम अम्लीय होता है और ये एससीएल अम्ल इसके अंदर पाया जाता है जो कीटाणु जाते हैं ये सब इसमें नष्ट हो जाते हैं। ये इसकी दीवारें जो ये श्लेष्म का आवरण पाया जाता है जिससे कि ये रक्षात्मक कवच होती है। ये अग्नाशय में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं और इसी प्रकार से ये आगे ये छोटी आंत के अंदर ये आगे इस भोजन को धकेल दिया जाता है, इसमें ये भोजन का माध्यम क्षारीय बन जाता है और इसी प्रकार से इसके अंदर छोटी आंत के अंदर एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन ये एंजाइम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन करते हैं, क्योंकि इसमें अग्नाशय में अमीलेज ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेज पेप्टाइड लाइपेज न्यूक्लियोटाइड ये एंजाइम इसके अंदर देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है स्टार्च माल्टोज में प्रोटीन पेप्टाइड में प्रोटीन पेप्टाइड में प्रोटीन पेप्टाइड अग्नाशय में वसा वसी अम्लीय अभिसरण में यानी मोनोग्लिसराइड डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर। इसी प्रकार से ये आत्रीय रस में ये माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज ये माल्टेज ग्लूकोज में लैक्टोज ग्लूकोज में सुक्रेज ग्लूकोज में वसा वसी अम्लीय अभिसरण में और न्यूक्लियो एजेज और डाइपेप्टाइड ये न्यूक्लियो अम्लीय न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड संक्रमण में डाइपेप्टाइड अम्लीय होते हैं। तो इसी प्रकार से ये यकृत में पित्त रस का एक निर्माण होता है फास्फोलिपिड फास्फेटेड डाइजर ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार या राइबोज। तो इसी प्रकार ये मानव पाचन तंत्र है, इस मानव पाचन तंत्र में मुंह से लेकर के आप देखते हैं ये गुदा है ये मलाशय है मल मार्ग है ये छोटी आंत है ये बड़ी आंत है।